वेलकम टू टेकी टॉक्स। और आज हम काफ़ी सारी इंटरेस्टिंग बातों के बारे में बात करने वाले, और जो सबसे पहली चीज़ है ना वो है जियो के बारे में। मतलब आप लोगों को तो पता ही होगा कल से क्या हो रहा है कि काफ़ी टाइम में मतलब सोशल मीडिया पे सब कुछ हो रहा है कि जियो पेड हो गया, जियो पे अब कॉल करने के पैसे लगेंगे। इवन ट्विटर पे तो हैशटैग भी ट्रेंड कर रहा था, हैशटैग बॉयकॉट जियो। मतलब अगर आप चाहें तो चेक कर सकते हैं, लेकिन एग्जैक्टली मैं आपको पूरी सिचुएशन एक्सप्लेन कर देता हूँ। तो ये सब हुआ था जैसे कि आप लोगों को पता है कि 2016 में जियो का ऑफिशियल रोल आउट हुआ था, और उसमें उन्होंने बोला था कि कभी भी वो फ़ोन कॉल्स के पैसे चार्ज नहीं करेंगे। और अब ऐसा चार्ज क्यों कर रहे हैं, तो उसके पीछे का रीज़न मैं बता देता हूँ। तो सितंबर 2017 में जो TRAI टेलीकॉम रेगुलेटरी अथॉरिटी ऑफ इंडिया थी, जो कि सेलुलर नेटवर्क्स होते हैं, ये टेलीकॉम कंपनीज होती है, उनको कंट्रोल करने के लिए बनाई गई है। तो उन्होंने सोचा था कि मतलब जो IUC चार्ज होता है, यानी कि इंटरकनेक्ट यूजेज चार्ज होता है ना, उसको हम आने वाले टाइम में ज़ीरो कर लेंगे। अब ये इंटरनेट यूजेज चार्ज क्या होता है, यानी कि IUC क्या क्या होता है, तो IUC के बारे में बात करें ना, तो जो IUC वो चार्ज होता है जब भी आप अपने फ़ोन से किसी दूसरे के नंबर पे कॉल लगाते हो, तो जो दूसरा ऑपरेटर सामने वाले ऑपरेटर को जो पैसा देता है ना, उस चीज़ को IUC कहा जाता है। एक एग्जाम्पल लेते हैं, मान लीजिए मेरे पास एयरटेल है, आपके पास वोडाफोन है, मैंने एयरटेल से कॉल लगाया आपको वोडाफोन पे, मेरे को 1 रुपये पर मिनट कट रहा है, लेकिन उस 1 रुपये में से कुछ पैसा रहता है वो सामने वाले वोडाफोन को उसे देना पड़ता है जब भी मैं किसी क्रॉस मतलब सामने वाले दूसरे ऑपरेटर पे कॉल परफॉर्म करता हूँ। अगर मैं एयरटेल और एयरटेल पे ही कॉल परफॉर्म कर रहा हूँ तो उसे कोई पैसा देना नहीं पड़ेगा। तो ये बात तो हमें समझ में आ गई। और ये जो चीज़ है ना, पिछले बहुत सालों से चलती हुई आ रही है कि मतलब कि अगर एयरटेल वाला वोडाफोन को कॉल लगाया तो एयरटेल को कुछ पैसा देना पड़ता है वोडाफोन को, अगर वोडाफोन वाला एयरटेल को पैसा लगाएगा तो वोडाफोन उनको कुछ पैसा देना पड़ेगा एयरटेल को। ये बात क्लियर हो गई। अब इसके बाद बात करते हैं जियो की। अब जियो आया तो आप लोगों को तो पता है जियो में कोई कॉल रेट्स वगैरह कुछ तो था नहीं, तो वो कैसे काम कर रहा था। अब जियो में क्या होता था कि IUC चार्जेस एग्जिस्ट करते थे पहले, लेकिन वो कस्टमर से कभी नहीं लेता था। वो ये करता था कि अपनी तरफ से वो IUC चार्जेस को पे कर रहा था जब भी जो कस्टमर है उनका जियो वाला वो किसी non-Jio कस्टमर पर कॉल लगाता है। अब मान लीजिए मेरे पास जियो है, आपके पास एयरटेल है, मैंने कॉल लगाई आपको, और उसके बाद ये होता था कि जितनी भी मिनट बात हो गई ना, तो हर मिनट का कुछ पैसे पर मिनट के रेट पे जियो को जो पैसा होता है ना वो ट्रांसफ़र करना पड़ता है एयरटेल, वोडाफोन, आइडिया, दूसरा जो भी टेलीकॉम ऑपरेटर है उसे। तो देखा जाए तो ओवरऑल ये जो पैटर्न था, ये जो साइकिल थी ना, चलती हुई आ रही थी। लेकिन सितंबर 2017 में TRAI ने डिसाइड किया कि हम 2018 में इसे और कम करेंगे, पैसा कुछ 14 पैसे पर मिनट कर देंगे, 2019 तक आते आते 6 पैसा पर मिनट हो जाएगा, और 2020 में ये चीज़ 0 पैसा पर मिनट हो जाएगी। तो जियो ने सोचा था कि चलो 1-2 साल तक हम चलो पैसा दे देते इन कंपनीज़ को, थोड़े कुछ टाइम तक हम लॉस में ले लेते क्योंकि आने वाले टाइम में तो सभी 0 होने ही वाला है, तो क्यों ना हम इसे अभी से फ्री करना चालू कर दें। जियो ने पहली सोच लिया था, ये जियो ने फ्यूचर देख लिया था, ऐसी चीज़ें होने वाली थी। लेकिन अब ऐसा क्या हो रहा है कि जियो को पीछे हटना पड़ रहा है। अब एक्चुअली में क्या हुआ कि TRAI का पूरा प्लान था कि 1 जनवरी 2020 से जो इंटरकनेक्ट यूजेज चार्ज होता है, जो अभी जियो एयरटेल को, वोडाफोन, दूसरी कंपनीज को पे करती थी, वो 0 नहीं हो रहा है, और वो भी आने वाले समय तक कंटिन्यू रहने वाला है। अब ऐसा TRAI ने क्यों डिसाइड किया? वेल, कहा जा रहा है कि एयरटेल, वोडाफोन जो कंपनीज है, एक्चुअली में वो बहुत ही ज़्यादा पैसा बना रही थी जियो से। मतलब कि रफ फिगर है, मैंने जियो की वेबसाइट पे देखी थी, तकरीबन 13,500 करोड़ पिछले 3 साल में जो पैसा है ना, वो जियो ने एयरटेल, वोडाफोन, आइडिया को लिटरली ट्रांसफ़र किया है। और वो एक तरह से देखा जाए तो उनकी फ्री इनकम थी एयरटेल, वोडाफोन की, जो कि मतलब एयरटेल, वोडाफोन, मतलब आप लोगों को भी पता है कि पहले लूटते थे वो अपने कस्टमर से लूटते थे, अब बाद में जियो से भी लूटने लगे, तो वहां से उनकी फ्री इनकम थी वो बंद होने वाली थी। इसलिए इस फ्री इनकम उनकी बंद ना हो जाए, इसलिए उन्होंने ये डिसाइड किया कि क्यों ना ट्राई को प्रेशराइज करते, और उस कारण से ट्राई जो है ना वो अभी इस चीज को ना आगे एक्सटेंड नहीं कर पा रहा है। मतलब कि जो IUC चार्जेस आने वाले टाइम में 0 होने थे, वो अब 0 हो नहीं पा रहे हैं। तो इसका मतलब ये है कि अब जियो को भी मतलब वो भी कंपनी, उसे भी चलना है, इसलिए उन्होंने डिसाइड किया ये जो IUC चार्जेस है ना वो आने वाले टाइम में कस्टमर से लेंगे। इसलिए वो 10 रुपये का एक नया रिचार्ज और कुछ स्पेशल टॉक टाइम के पैकेजेस लाए जिसके अंदर आपका सिर्फ वही पैसा कटेगा जो कि आप किसी दूसरी कंपनी को कॉल करते हो, जो कि IUC चार्जेस होते हैं, यानी कि 6 पैसे पर मिनट ही कटेगा, उसके अंदर कोई और एक्स्ट्रा चार्जेस नहीं होगा। इसके अलावा जियो टू जियो और जियो टू लैंडलाइन हमेशा फ्री रहेंगे, ऐसा तो उन्होंने बोल दिया।
लेकिन अगर आने वाले समय में जो ट्राई है वो अगर इस चीज़ को हटा लेती, यानी कि आईयूसी चार्जेस ज़ीरो कर देती, मतलब मान लीजिए कल से आईयूसी चार्जेस ज़ीरो हो गए, तो कल से ही आपको जो जियो टू जियो, मतलब जियो टू नॉन जियो जितने भी कस्टमर्स होंगे ना, सबको जो कॉल्स है ना वो फ्री में देखने को मिलेंगी। तो बात आती है कि क्या आपको पैसा देना पड़ेगा नहीं देना पड़ेगा, तो उसका सबसे अच्छा एक रीज़न है कि मैं आपको बता देना चाहता हूँ, आप अपनी माई जियो ऐप में जाकर देखो, वहाँ पर क्लियरली इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी, क्योंकि आप लोगों के हर एक के अलग अलग प्लान होंगे, हर एक ने अलग से रिचार्ज कर रखा होगा, कोई आज रिचार्ज कर रहा होगा, किसी ने कल किया होगा, कोई आने वाले कल में करेगा, सब आप लोग माई जियो ऐप में जाके देखिए, वहाँ पे आपको रिचार्जेस मिल जाएंगे। और जो रिसेंटली जो जियो ने पैक लॉन्च किया वो किया है 10 रुपये वाला प्लान, जिसके अंदर आपको 10 रुपये का टॉक टाइम भी दे देंगे और 10 रुपये में आपको 1 GB इंटरनेट भी दे देंगे। लेकिन अगर हम ओवरऑल सिनेरियो के बारे में बात करें तो ऐसा लग रहा है कि जो एयरटेल, वोडाफोन, आइडिया, ये सारी कंपनीज है ना, ये सब प्रेशराइज कर रही हैं ट्राई को, जिससे क्या है कि जो ट्राई है ना वो अच्छे तरीके से डिसीजन ले नहीं पा रही है। लेकिन अगर ऐसा भी हो सकता है फ्यूचर में कि आप लोग, मतलब अगर सब लोग ट्वीट करें या फिर इंटरनेट में सोशल मीडिया पर शेयर करें, तो मतलब इस इन्फॉर्मेशन को ज़्यादा से ज़्यादा लोग तक पहुँचा पाए, तो हो सकता है कि जो ट्राई है वो आने वाले समय में इस चीज़ को पूरी तरीके से हटा सकती है, और जो ज़ीरो चार्जेस थे हमारे जो मिलने वाले थे वो हमें देखने को मिल सकते हैं, ऐसा कुछ हमें आने वाले समय में देखने को मिल सकता है, और जो वॉइस कॉल्स है वो हमें परमानेंटली इंडिया में फ्री होते हुए देखने को मिल सकती है। अब देख सकते हो यार आप लोग कि जियो के आने से पहले स्टेट क्या थी, आप एक महीने का इंटरनेट का कितना पे करते थे, आप लोग इंटरनेट कितना यूज़ करते थे। एक बार जियो आ गया ना, मार्केट पूरा बदल गया, बाकी कंपनीज लॉस में जाने लगी हैं और उनका नेटवर्क कम होने लगा, मतलब कि दूसरी कंपनीज के यूज़र्स कम होने लगे हैं, और जियो का ग्रोथ काफ़ी अच्छी हुई है, और जियो के कारण ही आपको दूसरी कंपनीज़ के अच्छे ऑफर्स देखने को मिले हैं, और ऊपर से जो कंपनीज थी ना वो जो कॉल्स होती ना उससे खूब पैसा बना रही थी, इवन जियो से भी पैसा बना रही थी। अगर अब आने वाले समय में आईयूसी चार्जेस ज़ीरो हो जाएंगे तो जो कॉल से जो पैसा बना रही थी ना कंपनीज, अब वो नहीं पाएंगी। फिर भी देखते हैं कि एग्जैक्टली आने वाले टर्म्स में क्या हो पाएगा, लेकिन मैं तो बस ये चाहूंगा कि आने वाले टर्म्स में जो मोबाइल फोन कॉल्स है ना, एटलीस्ट वो तो इंडिया में फ्री हो ही जाए, और जो पैसा लगे ना वो डेटा का लगे। वेल, आप मेरी बात से एग्री करते हो या नहीं करते, ये बात आप मुझे नीचे कमेंट में बता सकते हो, और चाहो तो ये जो इन्फॉर्मेशन है आप और लोगों के साथ सोशल मीडिया वगैरह पर शेयर कर सकते हो कि ट्राई जो है ना, ये जो आईयूसी चार्ज है ना, उन्हें जीरो कर सकती है। और वहीं बात करें जो बॉयकॉट ट्विटर वाली, अब बॉयकॉट जियो की, अगर जो ट्विटर पर एक बार ट्रेंड करते हुए देखा, तब तो मैंने उस पर देखा तो ज्यादातर जो ट्वीट्स आए थे ना वो काफी सारे बॉट अकाउंट्स के थे। मतलब ये भी एक इंटरेस्टिंग बात हो जाती है कि जो कंपटीशन वाली कंपनीज है ना वो जबरदस्ती ऐसा कर रही हैं, तो ये भी एक मतलब एक देखने वाली बात है। मतलब पर्सनली मैं तो ये चाहता हूं कि जियो में जो पहले कॉल्स फ्री मिलती थी वो आने वाले समय में भी फ्री मिले, बस यही है कि जो आईयूसी है वो ज़ीरो करते। लेकिन फ़िलहाल के लिए जियो ने तो अभी ऐसा इसलिए किया क्योंकि जो चीज़ आने वाले 2020 में होने वाली थी ना वो अब नहीं होगी, और एग्जैक्टली हमें पता नहीं है कि जो आईयूसी चार्जेस होते हैं ना, इंटरनेट कनेक्ट यूजेज चार्जेस, वो हमें ज़ीरो कब देखने को मिलेंगे। ये भी काफ़ी एक इंटरेस्टिंग बात हो जाती है कि अगर ये जल्दी ज़ीरो नहीं देखने को मिले, तो हो सकता है कि हमें आने वाले समय में भी जो जियो के अंदर जो आउटगोइंग कॉल्स होती है ना उसके लिए भी हमें रिचार्ज कराना पड़े, मतलब जियो टू नॉन जियो नंबर्स के लिए। तो मेरे को लगता है कि आप समझ गए होंगे, और अगर आप एक जियो यूज़र हो तो मेरी आपसे एक रिक्वेस्ट है कि आप लोग माई जियो ऐप में जाएं और देखें कि आपका कौन सा प्लान है, उसमें क्या करना है, क्योंकि सारी इन्फॉर्मेशन माई जियो ऐप में अच्छे तरीके से अवेलेबल है, क्योंकि हर इंसान अलग तरीके से रिचार्ज कराता है और हर एक के बारे में बता पाना पॉसिबल नहीं होता, बजाय कि आपकी कंडीशन जाने, तो आप जान सकते हैं अपनी माई जियो ऐप में जाके। तो मेरे को लगता है कि आप समझ गए हो कि पूरी जियो का जो सिनेरियो है, जो 6 पैसा पर मिनट है, या जियो जो पेड हो गया है, जियो फ्री नहीं रहा, आप समझ गए हो कि एग्जैक्टली पीछे की पूरी रियलिटी क्या है। बाकी देखते हैं कि आने वाले समय में क्या होता है, बस मैं तो यही चाहता हूँ कि मतलब ट्राई से अगर कोई देख रहा है तो मैं तो ये चाहूँगा कि जो आईयूसी चार्जेस होते हैं ना उन्हें ज़ीरो कर दो जैसा उनका प्लान था। इससे ही रहेगा कि मार्केट में मतलब अच्छा रहेगा, मतलब कि सारी कंपनीज़ की तरफ से हो सकता है आपको आने वाले टाइम में कॉल्स वगैरह फ्री देखने को मिल जाए, और इंडिया के लिए भी काफ़ी अच्छा रहेगा कि मतलब कॉल्स फ्री हो गए और इंडिया फिर है ना एक डेटा ड्रिवन हो जाएगा, मतलब जो टेलीकॉम होती है ना पूरी इंडस्ट्री वो अब डेटा ड्रिवन हो जाएगी एज कम्पेयर टू जो अभी कॉल ड्रिवन चल रही है, तो हम पास से हटके हम फ्यूचर में एंटर कर जाएंगे। तो ये है चीज़। अब इसके बाद बात करते हैं ओप्पो रीनो इसके बारे में। अब ओप्पो रीनो इसके बारे में इसलिए बात कर रहा हूँ क्योंकि वो चाइना में लॉन्च हो गया है। वो भी कब लॉन्च हुआ है? आज ही लॉन्च हुआ है ओप्पो रीनो एस। इसने आप 855 प्लस 90Hz एमोलेड डिस्प्ले, 65W वूक चार्जिंग के अंदर देखने को मिल रही है आपको, 12GB रैम, 64MP का क्वाड कैमरा सेटअप, इन डिस्प्ले फिंगरप्रिंट स्कैनर। और बात की जाए जो ओप्पो रीनो एस है ना, ये इंडिया में रियलमी X2 Pro बन के आने वाला है, मतलब कि इसी फोन में से कुछ चीज़ें निकलने वाली हैं और बाद में यही फोन जो है ना वो रीब्रांड होकर रियलमी X2 Pro
बन के इंडिया में आएगा, क्योंकि सेम स्पेसिफिकेशन है, सिमिलर डिज़ाइन लग रहा है, और देखते हैं कि आने वाले टाइम में क्या होता है। मतलब कि इसमें 65 वॉट की सुपर वूक चार्जिंग मिल रही है, मतलब करेंटली बात की जाए तो कमर्शियल अवेलेबल है, सबसे तेज़ी से चार्ज होने वाला फ़ोन हो जाता है जो कि 65 वॉट की चार्जिंग पर होता है। लेकिन देखने हैं कि आखिर रियलमी एक्स टू प्रो से कितना क्लोज होता है, और जब इंडिया में रियलमी एक्स टू प्रो आएगा तो अगर यही फीचर्स लेके आता और 50 वॉट की चार्जिंग के साथ आता तो वो काफ़ी कमाल की बात होगी। वैसे अगर इसकी प्राइसिंग अगर मैं चाइना के बारे में बताऊं तो 3799 युआन के अराउंड है, मतलब 38-39,000 आप समझ सकते हैं उस फ़ोन की प्राइस है ये चाइना के अंदर। और रियलमी अगर इसी चीज़ को अगर 30,000 से कम में लाता है, देखते हैं कि आने वाले टाइम में क्या होता है। मतलब काफ़ी इंटरेस्टिंग चीज़ लग रही है ये। इसके साथ इन्होंने काफ़ी अलग अलग एसेसरी स्पेशल एडिशन वगैरह लॉन्च करे हैं, लेकिन मेरे को लगता नहीं कि ओप्पो कभी ये सारी चीज़ें इंडिया में लेके आएगा, ना ही रियलमी ये सारी चीज़ें अडॉप्ट करेगी, क्योंकि रियलमी है ना हमेशा बजट पर खेलती है। वो क्या देखेगी कि एक फ़ोन जो ओप्पो ने बनाया काफ़ी हाई, इसमें से कुछ कुछ चीज़ें निकाल के थोड़े पैसे कम करो, मेन फ़ोन वही रखो, उसकी कीमत कम करो और उसे इंडिया में ले जाके बेचो, यानी कि एक अच्छे प्रोडक्ट को जहाँ तक हो सके उसकी कम कीमत करके आपको वो बेचना चाहते, तो Realme का ये प्लान है। और इसके साथ हम OnePlus के बारे में बात कर लेते हैं। आज जो है ना वो OnePlus 7T Pro का लॉन्च होने वाला है। मैं आपको बता देता हूँ, OnePlus 7T और Pro और 7 Pro के बीच में इतना बड़ा डिफरेंस नहीं है। मतलब बैटरी जो है वो 4000 mAh से बढ़ के 4085 mAh हो गई है। वॉर्प चार्ज 30 की बजाय उसमें हो गया वॉर्प चार्ज 30T, जो कि 100% बैटरी को अराउंड एक घंटे में चार्ज कर सकता है। इसके साथ ही कैमराज में कोई चेंज नहीं हुआ है, डिस्प्ले में कोई चेंज नहीं है, सेम पॉपअप कैमरा देखने को मिल रहा है, यहाँ तक कि जो इंटरनल रैम और स्टोरेज होती है ना वो भी आपको सिमिलर देखने को मिलेगी। हो सकता है इस बार आपको 6GB रैम का ऑप्शन हटा के मिनिमम 8/128 और हो सकता है 8/256GB का ऑप्शन भी देखने को मिल जाए। जो प्रोसेसर है वो हो गया स्नैपड्रैगन 855+, तो बस यही चेंजेस देखने को मिलने वाले हैं। और ओवरऑल देखा है तो फोन की प्राइसिंग लगभग 50,000 के ऊपर हो सकती है। और इसके साथ इंटरेस्टिंग चीज़ है कि OnePlus जो है ना वो 70 Pro का एक मैक्लेरन एडिशन भी लॉन्च करने वाली है। मतलब ये यूरोप में होगा, ये ऑब्वियसली इंडिया में आएगा। और अगर मैक्लेरन एडिशन के बारे में बात करें तो जो स्नैपड्रैगन 855 प्लस के साथ ये जो मैक्लेरन एडिशन बनाया है उन्होंने, इसके अंदर मतलब ऑब्वियसली डिज़ाइन में थोड़े बहुत चेंजेस करेंगे ये लोग, और थोड़े बहुत मेरे को लगता है थोड़ी एक्स्ट्रा रैम शायद 10GB या 12GB रैम देखने को मिल जाए। तो मेरे को लगता है ज़्यादा रैम एक नई डिज़ाइन एक नए बॉक्स के साथ देखने को मिल सकता है, और कुछ अलग एसेसरीज देखने को मिल सकते हैं, स्पेशल डिज़ाइन चार्जर जिसके लुक्स अलग, स्पेशल डिज़ाइन केबल, स्पेशल बॉक्स देखने को मिल सकता है। और मेरे को लगता है कि OnePlus 7T Pro जो है ना वो शायद से आपको देखने को मिल सकता है 60,000 rupees की कीमत के अराउंड। ये भी मतलब काफ़ी इंटरेस्टिंग चीज़ हो जाती है, और मैं ये कहूँगा कि 60,000 rupees OnePlus डिज़र्व नहीं करता है। मतलब इतना ज़्यादा पैसा डिज़र्व नहीं करता है, काफ़ी ज़्यादा स्पेशल एडिशन है, हो सकता है पास्ट में इनके काफ़ी ज़्यादा सक्सेसफुल रहा है, लेकिन 60,000 rupees OnePlus के फ़ोन के लिए अभी के समय में प्राइस करना इतना वर्थ नहीं है, क्योंकि उनके फ़ोन की कीमत काफ़ी ज़्यादा बढ़ती जा रही है। और अगर उन्होंने जल्दी अपने फ़ोन की कीमत कंट्रोल नहीं करी ना, ऐसी बढ़ाते रहे दूसरी कंपनीज के तरह, तो आने वाले समय में उनको घाटा हो सकता है। मतलब मैं रियलिटी में बता रहा हूँ, OnePlus अच्छा काम करती है, बस अपने फ़ोन की कीमत को ना एक लिमिट सेट करके रखे कि नॉर्मल वर्जन होता है उसे इतनी कीमत तक ही लाना है, मतलब 40,000 के ऊपर उसे लेकर ही नहीं जाना है, और जो प्रो वर्जन है ना उसको मेरे हिसाब से 50,000 तक ही रखो, 50,000 के ऊपर मत ले जाओ। काफ़ी अच्छी डील रहेगी, काफ़ी बिकता रहेगा मार्केट में, काफ़ी सारे लोग लेना पसंद करेंगे उसे, इवन लोग आज भी लेते हैं। तो ये तो बात हो गई OnePlus 7T Pro के बारे में। अब मैं आपको बता देता हूँ आपके कुछ कमेंट्स के आंसर। तो सबसे पहला कमेंट पूछा लखन भाई ने, वो पूछा व्हाट इज़ UFS 2.0। UFS का मतलब होता है यूनिवर्सल फ्लैश स्टोरेज। ये एक स्पेशल मतलब स्टोरेज की टेक्नोलॉजी है जिसे डिजिटल कैमरा, मोबाइल फोन्स, अलग अलग जगह यूज़ किया जाता है डेटा स्टोर करने के लिए। ये रैम से आप इसे कन्फ्यूज मत कीजिए, जो आपको इंटरनल स्टोरेज देखने को मिलती है ना 64/128GB, ये वही स्टोरेज का टाइप होता है। और UFS 2.0 की खास बात ये रहती है कि ये ज़्यादा फास्ट रहता है, मतलब कि UFS 1 कम फास्ट था, इससे जो स्लो थी वो थी eMMC। UFS 1 आया, UFS 2.0 आया, UFS 2.1 आया, मतलब कि जिस तरीके से नंबर बढ़ता गया, टेक्नोलॉजी एडवांस होती गई, स्टोरेज के अंदर जो स्पीड होती है ना ट्रांसफ़र की वो ज़्यादा अच्छी होती गई। और लेटेस्ट है UFS 3.0 जो आपको महंगे फ्लैगशिप फ़ोन्स में देखने को मिलती है। लेकिन अगर बात करें UFS 2.0 के फ़ायदे क्या हैं, तो फ़ायदा बस यही है कि अगर आप कोई ऐप खोलोगे तो वो जल्दी खुलेगी, कोई मतलब फ़ोन जो है ना वो ज़्यादा रिस्पॉन्सिव हो जाएगा, जल्दी काम करेगा, जल्दी बूट हो जाएगा। अगर आप कोई
पिक्चर क्लिक करोगे तो वो स्टोरेज में जाके जल्दी सेव हो जाएगी। अगर मान लीजिए UFS 2.0 की जगह कोई स्लो स्टोरेज लगा है तो उसकी स्पीड और ज़्यादा कम रहेगी और फ़ोन में आपको लैग और हैंग देखने को मिल सकता है, क्योंकि स्टोरेज है ना एक तरह से बॉटलनेक हो जाता है कभी कभी फ़ोन के अंदर। तो मेरे को लगता है कि आपको आपका आंसर मिल गया होगा। इसके बाद अगला सवाल है खान भाई का, वो पूछ रहे हैं एज यू सेड अर्लियर कि शाओमी के फ़ोन्स सस्ते होने की वजह से शाओमी प्रॉफिट नहीं कमा पा रहा है। बिल्कुल सही बात है, और कंपनी को खतरा भी होता है, बिल्कुल है। तो फिर रियलमी क्या वो शाओमी से भी सस्ते फोन लेके आ रहा है, वो प्रॉफिट नहीं करवा पाए हैं? मेरे को लगता है कि रियलमी की कहानी अलग है। रियलमी जो है ना वो अपने फोन से पैसा नहीं बना रहे, क्योंकि रियलमी के पीछे जो हाथ है ना वो बीबी के इलेक्ट्रॉनिक्स का है। बीबी के इलेक्ट्रॉनिक्स सोचा है कि हम इंडिया में अपनी अच्छे से पहचान बनाना चाहते हैं, हर प्राइस सेगमेंट ऑनलाइन ऑफलाइन हर जगह आना है, इसलिए रियलमी के ऊपर पैसा लुटाओ, लेकिन ओप्पो से कमाओ, वीवो से कमाओ, वन प्लस से कमाओ, दूसरी कंपनी जिन्होंने खोल रखी वहां से उन्हें पैसा आ रहा है और एक जगह से वो पैसा लूज कर रहे हैं, ये सोच रखी उन्होंने। मतलब वो अलग अलग जगह से पैसा बना रहे, अलग अलग चीज़ें ट्राई कर रहे हैं। और अभी तो रियलमी को आई हुए सिर्फ एक साल ही हुआ है, देखते हैं कि आने वाले टाइम में क्या होता है। वैसे शाओमी के बारे में तो ये पता चला था कि जब उनका IPO आया तो शेयर प्राइस को देख के बात पता चली थी कि वो रियलिटी में पैसा नहीं बना रहे। अभी रियलमी का कोई IPO शेयर प्राइस हमारे पास इन्फॉर्मेशन नहीं है, और जब तक वो कंपनी पब्लिक नहीं होगी ना तब तक हम एग्जैक्टली बता नहीं पाएंगे कि कंपनी प्रॉफिट में है कि लॉस में है। इसके बाद अगला सवाल है सूर्य शंकर भाई का, वो पूछा रियलमी फोन्स वूक चार्जिंग वर्क्स ऑन 5V 4A बट रियलमीज ओन पावर डिलीवर पावर ऑन 9V 2A टेक्नोलॉजी, हाउ विल परफॉर्म रियलमीज वूक सपोर्टेड फोन्स। रियलमी ने कभी भी ये नहीं बोला था कि उनका जो पावर बैंक है ना वो वूक सपोर्टेड है, उन्होंने बोला था फास्ट चार्जिंग को सपोर्ट करता है, जो कि क्वालकॉम की क्विक चार्ज होती है ना जो कि अराउंड 18W पे काम करती है, तो ये उस चीज़ को सपोर्ट करता है। और रियलमी ने कभी भी वूक सपोर्टेड पावर बैंक के बारे में बताया नहीं था। इवन वूक सपोर्टेड आपको पावर बैंक्स बहुत ही कम देखने को मिले, कुछ समय पहले ओप्पो ने बनाए थे, लेकिन अब जो टेक्नोलॉजी है ना ये फास्ट चार्जिंग की जो टेक्नोलॉजीज है ना ये मतलब पावर बैंक्स तक लिमिट कम करके रख रहे हैं। मतलब ज़्यादा क्वालकॉम की क्विक चार्जिंग डाल देते हैं, इससे ज़्यादा जो 30W 50W 65W की जो चार्जिंग टेक्नोलॉजीज आ रही है अभी के समय में पावर बैंक्स में अवेलेबल नहीं है, क्योंकि कंपनी अभी मतलब डाल नहीं रही है, उनका कुछ और प्लान होगा। लेकिन अगर हम रियलमी के बारे में बात बताऊं तो जो वूक है वो आपको केवल चार्जर से मिलेगी, पावर बैंक से अगर आप वूक लेने की कोशिश करोगे तो आपको नहीं मिलेगी। आपको जो क्वालकॉम की क्विक चार्जिंग होती है ना 9V 2A वाली यानी 18W वाली वो ही देखने को मिलेगी। तो मेरे को लगता है सूरज भाई आपको आपका आंसर मिल गया होगा। अगर आपका भी ऐसे कोई क्वेश्चन है, सवाल है, सुझाव है, नीचे कमेंट सेक्शन है खुला हुआ है, उसमें आप पूछ सकते हो। और जियो के बारे में कोई और डाउट है या जियो से रिलेटेड कोई और भी चीज़ जानना चाहते हो या फिर आप क्या सोचते हो जियो के बारे में, नीचे कमेंट सेक्शन में आप बता सकते हो। थैंक यू आपका वीडियो देखने के लिए, मैं आपसे मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में। गुड बाय।